कहते हैं कि प्रतिभा की कोई उम्र नहीं होती, टैलेंट किसी भी एज में देखा जा सकता है। 8 साल से बच्चे के लेकर 60 साल के बुजुर्ग तक आप किसी भी तरीके से टैलेंट को पहचान सकते हैं। हमारे साथ इस समय हैं दीपक जी, जो कि सहरिया जनजाति से आते हैं, कोटा में रहने वाले हैं। आज हम ऐसी टैलेंट है ये जो अपने डांस के कारण देश विदेश में अच्छा खासा नाम कमा चुके हैं। बात करते हैं दीपक से। दीपक, अपने बारे में कुछ बताइए कि आप क्या करते हैं, किस तरह की आपकी प्रेजेंटेशन? मेरा तो अपना तो डांस चलता है, मतलब मैं गांव में था तो गांव में ऐसे छोटा था ना, तो मैं डांस करता था, मतलब ऐसे खुद रखता था। तो मैं बड़ा बड़ा जो वो गुरु रंधावा का गाना चलता रहा तो उसकी वीड थोड़ी थोड़ी मेरे से मतलब ऐसे बढ़ती गई, तो मेरे उस पर थोड़ा थोड़ा डांस सीखने लगा थोड़ा थोड़ा, फिर बाद में पूरा आ गया। फिर मैं सर ने बोला था कि कौन डांस करेगा, मैंने कि मैं करूँगा, तो मैंने उस पर डांस करा। तो जे के बाद मैंने उनने सर ने वीडियो बनाई, मेरे को ये पता नहीं था कि ये वीडियो बनाएंगे, ये फेसबुक ये यूट्यूब पे ये इंस्टाग्राम पे डालेंगे, ये मेरे को कुछ भी पता नहीं था ये। फिर वो एक दो महीने बाद फिर राहुल मीणा आए थे, राहुल भैया मेरे भैया वो आए, तो उनने बोला कि इसको हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे मंजिल तक पहुँचाएँगे, उनकी वजह से मैं यहाँ तक हूँ, नहीं तो मैं कायल नहीं था, नहीं उनके दूसरे के पास जाता तो मैं अभी यहाँ नहीं पहुँचता, ये बोलना चाहता था। जैसा कि आप देख रहे हैं, इन्होंने बताया कि गुरु रंधावा से इन्होंने प्रेरणा ली और गुरु रंधावा के जो गीत हैं उन्हीं से इनका एक करियर जो है उपवान पर चढ़ा। ये अपने डांस की जो स्किल थी उसको भी ये इम्प्रूव करते रहे और इम्प्रूव करने के बाद में आज योग है कि इनका जो अचीवमेंट है कि जहाँ इनके वीडियो को टैग करने से पहले गुरु रंधावा के 16 मिलियन फॉलोअर्स थे, वो टैग करने के बाद में 20 मिलियन बढ़े, यानी कि एक सेलिब्रिटी जो है उनको एक सेलिब्रिटी चाइल्ड से सपोर्ट मिला और ऐसा सपोर्ट जो शायद ही बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो आप बताएं कि कैसे अंदर आपके अंदर गुरु रंधावा की फीलिंग आई? मेरे को तो बस बढ़िया लगा कि मैं यहाँ मंजिल तक पहुँचा, और मैं सोच भी नहीं सकता था मैं इतने ऊपर जाऊँगा, तो आज पता चला कि मैं इतनी ऊपर हूँ कि आज मेरे को लोग जानते हैं। ओके, डांस आपने कहाँ से सीखा? मैंने खुद नहीं सीखा, मतलब मैं आपको बता ही दिया, मैंने वो छोटा था ना, तो मैं बताता हूँ। 2 महीने बाद ऐसे देखो, 2 महीने में मैं छोटा था, मेरे भैया एक पहले मैं छोटा था ना बा 7 साल का, जब मेरे भाई कोई सिखाते थे तो उनके पास जाता था, जो उन्होंने फिर डांस छोड़ दिया, तो मैं बड़ा होता गया तो मैंने फिर वो गुरु रंधावा ने डांस मतलब गाने उसके चलते थे गुरु रंधावा की, तो उस पर भैया ने कहा कि इस पर डांस तो सीखेंगे, जो मैं कोई तो सीख नहीं रहा था कोई भी, तो मैं अकेला गाना चलाया और थोड़ा थोड़ा खुदक के थोड़ा थोड़ा डांस सीख के डांस कर लिया मैंने। फिर मैं टीम थी एक, उस पर वो आया ना वरुण धवन का गाना एक तेरा नाम है साचा, उस पर टीम थी हमारे, उस पर नाचते थे, तो उस पर हम तैयारी कर रहे थे, जो फिर सर ने कहा था मस्ती करेंगे, तो मस्ती करना है, जो सर ने कहा था कि कौन वीडियो कौन डांस करेगा यहाँ पर, तो उसने उनने कहा कि ठीक है मैं करूँगा, तो उनने वीडियो बना के डाल दी। अब मेरे को यही हाँ ये सर। आप ये मानते हैं कि सोशल मीडिया जो है वो यंग टैलेंट को प्रमोट करने के लिए बहुत अच्छा मंच है, आपके अकॉर्डिंग ऐसा लगता है आपको? तो आप ये बताएं कि गुरु रंधावा सबसे बेस्ट गाना आपको कौन सा लगता है? उन्होंने तो बहुत सारे गाने बनाए हैं बट आपको सबसे बेस्ट कौन सा लगता है? मेरा हाइरेटेड गबरू है बस, और कोई नहीं है, और ये दो ही है मेरे, हाइरेटेड गबरू और बेबी गर्ल, बस यही। बेबी गर्ल और हाइरेटेड गबरू, यानी कि अब ये बिल्कुल गबरू बन चुके हैं और टैलेंट में गबरू बन चुके हैं, हालांकि उम्र बहुत छोटी है, 8 साल की है। और सबसे बड़ी है कि तमाम विषम परिस्थितियों के बावजूद इनके घर में इनके पिताजी हैं जो कि एक ड्राइविंग का काम करते हैं, सिस्टर जो है वो पढ़ती है और मदर हाउसवाइफ है, छोटा मोटा काम करके फैमिली को चलाती हैं। इतनी तमाम विषम परिस्थितियों के बावजूद अगर वो टैलेंट नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर पहुँचता है तो ये मैं मानूंगा कि सोशल मीडिया का तो स्ट्रेंथ ही है, लेकिन साथ में इनको भी अपने टैलेंट को जो निखारा है इन्होंने और उस चीज़ को लेकर ये आगे तक गए हैं, हम इनसे दुआ करेंगे कि ये अपने टैलेंट को और भी जाके निखारें। और एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आगे जिंदगी में क्या करना चाहते हैं? मैं आगे तो बनना चाहता हूँ डांसर, और बनूंगा और बन कर रहूंगा। डांस बनने के बाद में क्या फिल्मों में जाना चाहेंगे या एल्बम? अपना तो जय गाना कुछ भी राहुल भैया बनाए, राहुल भैया बनवाएंगे जो अपन वो कर लेंगे, और राहुल भैया कुछ नहीं करेंगे, ऐसे शूटिंग में मेरा नाम मेरा कर दिया कि आपका शूट है उसमें, तो मैं ठीक हूँ मैं आ जाऊँगा, नहीं मूवी में भी डांस में भी दोनों तीनों। तो डांस कोरियोग्राफर बनना चाहते हैं आप? डांसर मतलब बड़ा डांसर बनना चाहता हूँ, अभी माइकल जैक्सन है उसकी तरह बनना चाहता हूँ मैं भी। माइकल जैक्सन को अपना आदर्श मानने वाले दीपक जो है उनका नाम दीपक की तरह ही जगमगा रहा है, और हम ये चाहेंगे कि आप दीपक की तरह ही पूरा जगमग करें पूरी दुनिया को, और अपने जैसे जो बच्चे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप?
अपने जैसे बच्चे तो पर आपको पता ही है। नहीं, मैसेज क्या देना चाहेंगे, मैसेज कि आपको ये करना चाहिए इस तरह से? आप बच्चों को तो बस अपना घर पे गाना लेके, मतलब मेरा ऐसा मेरा गाना बन गया तो मेरा, कोई बच्चे कहते हैं कि आप मेरे को डांस सिखा दो, मैंने अब मैं भी खोलूँगा डांसर, भैया एक भैया सिखाते हैं मेरे को, अब वो भी सिखाएंगे तो उनको भी यही करना चाहिए कि सर उनके पास चले और उनके पास डांस सीखे, यही करना चाहना चाहता हूँ। इरादे इतने मजबूत हैं कि जिस उम्र में अन्य बच्चे कुछ सीखना चाहते हैं उस उम्र में दीपक कुछ सिखाना चाहते हैं, यही अचीवमेंट हमारे देश के बच्चों में रहना चाहिए और इसी तरह की चीज़ें आगे बढ़ती रहनी चाहिए। शुक्रिया दीपक हमसे बात करने के लिए, थैंक यू। वेलकम सर।